Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Satya. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UP Educational Center. Satya, आपकी बहुत पुरजोर इसरार पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10C का टेक्स्ट और इसका फर्स्ट सीन करते हैं. उधर हमारी गलीलिया गलीलाई के भी टेक्स्ट चल रही हैं जहाँ पर हम थर्ड सीन पर आने वाले हैं और साथ हम इस प्ले को लेकर चलेंगे. ये कुछ सीन दिखाया जा रहा है एक समुंदर का, जिस समंदर में तूफान बरपा है और वहाँ पर कुछ हादसा हो चुका है. हादसा जहाँ हुआ है वहाँ पर जो हादसे का शिकार शख्स है उसको कहीं से इमदाद नहीं मिल पा रही है. दुनिया की बेरह रवि है, कोई किसी के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं है. देखते हैं तो सीन वन किस तरफ चलता है. ये एक बीच का सीन है और जब कर्टन उठते हैं तो दिखाया जाता है कर्टन से पहले एक बीच का किनारा है. ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस, अंधेरा काफ़ी फैला हुआ है. वी हियर द साउंड ऑफ अ स्टॉर्म रैगिंग. हम एक स्टॉर्म, एक तूफान के जो है आने की आवाज़ें सुनते हैं. थंडर गरज होती है एंड द विंड रोरिंग, और हवा भी गरजती है. हवा भी जो कहते हैं ना जोर जोर दरवाजे आ रही होती हैं हवा की. विनिंग क्रैशिंग एंड स्क्रीमिंग अवर वाटर, और पानी के ऊपर जो है एक भूमर सा बना होता है और उस पर कुछ चिल्लाने की आवाज़ें हैं, कुछ चीज़ें टूटने की आवाज़ें हैं. जैसे अगर कोई कश्ती टकरा जाती है, कुछ चीज़ें गिरती हैं टूटती हैं, वो सारी आवाज़ें उसमें से आ रही हैं. मैसेज ऑफ वाटर स्वालिंग आपने, और पानी के ऊपर उभरने वाले कुछ बुलबुले भी होते हैं. जब नीचे चीज़ गिरती है तो ऊपर कुछ उभार उभरते हैं, वो भी आ रहे हैं. रैटलिंग हो रही है, चर्निंग है एंड क्रैशिंग बैक इन टू द सी. लग रहा है कि कुछ ना कुछ सी के बैक साइड पर टूट ज़रूर रहा है. ग्रेवल एंड सैंड ग्राइंडिंग स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता रेत जो है वो भी फिसलती जा रही है. द अर्थ ट्रम्बलिंग, ज़मीन भी कप कपा उठी है. ऑफ स्टेज, अब स्टेज के पीछे जो हो रहा है, एज इफ फ्रॉम द सी, जैसे कि सी है. जैसे हमने चेरी ऑर्चर देखा था, दिखाया नहीं गया था, वो ऑफ स्टेज था सारा, ऐसे ही ये द सी भी ऑफ स्टेज है. जाहिर है सी को वो प्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना स्टेज के ऊपर. वी हियर विली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, हम आवाज़ें सुनते हैं एक शख्स की जिसका नाम है विली, और चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, हेल्प, हेल्प, मेरी मदद करें. हिज क्राई इज ड्राउन्ड बाय द साउंड ऑफ वाटर, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जैसे ही पानी में डूब रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, हेल्प कॉलिन, शाउट कॉलिन. अपने दोस्त को आवाज़ें दे रहा है कि बोलो कॉलिन, चिल्लाओ, मुझे आवाज़ दो. ओ गॉड मेक हिम शाउट, ए खुदाया उसकी आवाज़ मुझे सुना दो. द साउंड ऑफ द टेम्पस्ट ग्रोज लाउडर, और बाप ने ये जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं मज़ीद ऊंची होती हैं. वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता है मेरी मदद करो, हेल्प हिज करो. क्राई इज़ अगेन ड्राउंड बाय साउंड ऑफ वाटर, और दोबारा उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ें हैं वो डूब जाती हैं क्योंकि पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता. अ ड्रंकन मैन इवन कम्स ऑन सिंगिंग, एक शराबी उधर आ निकलता है जो कि गुनगुना रहा है. इवन आई डोंट नो व्हाई आई सिंग सॉन्ग्स सिड शोर एंड एक बेतुक्का ही गाना गा रहा है. मैं नहीं जानता मैं क्यों गाता हूँ, ये दिन इतने छोटे क्यों होते हैं. और उसको अचानक आवाज़ आई तो वो रुक गया. विली ने आवाज़ लगाई, हेल्प मेरी मदद करो. इवन इसकी मदद करूं, क्योंकि नशई को क्या पता शराब के नशे में झूमता फिर रहा है. विली ने कहा, हेयर इन द वाटर, मैं इधर हूँ पानी में. अ मैन इन द वाटर, देखो एक आदमी इधर पानी में नजर आ रहा है. थंडर होती है, गरज होती है. इवन देखता है सो लेट, कहता है देर हो गई है पानी में. फिनिश ऑल, ये जो समुंदर है ना सब कुछ खराब कर जाता है. ड्रिंक, और सब कुछ पी पू जाता है. लिल ड्रिंक, और तुम्हें भी पी ही लेगा. टेक बोतल, चलो ये ले बोतल पीते हैं, हम तो शराब पीते हैं. अगर समुंदर में डूबे पड़े हो, मुझसे क्या मदद मांग रहे हो, समुंदर तो सबको खा जाता है, तुम्हें भी खा जाएगा. थोड़ी देर में तुम भी डूब जाओगे, क्या फायदा तुम्हें जाने बचाने जाऊँ और मैं खुद भी डूब जाऊँ.
विली उसे कहता है, हेल्प मी, आवर बोट टर्न्ड ओवर, मेरी मदद करो, हमारी कश्ती उलट गई है, आई कांट फाइंड हिम, और मैं अपने दोस्त को भी पा नहीं सका, वो कहाँ पर चला गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। इवंस, आई सिंग सॉन्ग्स, स्टे श्योर डांस, उसको कोई परवाह नहीं, वो कहता भाई मैं तो गाने गा रहा हूँ, दिन बड़े छोटे होते हैं, जिंदगी भी छोटी होती है, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी जिंदगी, तुम्हारी मदद कैसे करो। विली उसे कहता है, यू बास्टर्ड, तुम बदतमीज जलील इंसान। फिर अपने दोस्त को आवाज़ें लगाता है, कॉलिन कॉलिन, और इवन कहता है, वो आई डोंट नो व्हाई सिंग सॉन्ग, मैं नहीं जानता मैं क्यों गाने गाता हूँ, सम इन दिसर फिजूल से गाने गा रहा है कि मैं गाता जाता हूँ, मैं गाऊँगा, द साउंड ऑफ द स्टॉर्म ग्रोस वर्स, समुंदर में तूफान मजीद बुरे से बुरी हालत अख्तियार कर लेता है, थंडर्स गरज चमक, द विंड स्क्रीम्स, और जो हवा है उसकी भी आवाज़ें आती हैं। हैच, एक और किरदार आ रहा है, अ मिडल एज्ड मैन कम्स ऑन विद अ टॉर्च, वो टॉर्च के साथ स्टेज पर आता है। अब चूंकि हैच स्टेज पर आया है, हैच ने उससे कहा, व्हाट आर यू अप टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इवंस जो है वो बोलता है, ओ गॉड्स, ड्रैपर हैव अ स्ट्रिंग और फॉल दे आर स्ट्रो बॉल, कहता मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ शराब पीने आया था, नशे में है, कोई होश नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपने होश में नहीं है। हैच फ्लथी बीस्ट, बदतमीज इंसान, क्योंकि हैच को वो पसंद नहीं आया है उसकी हरकतें। इवन ने कहा, मोफ मोफ, गोइंग गोइंग, जाओ जाओ, गालियां क्यों बक रही हो, जाओ, वस नाइट डियर स्लो, ये रात कितनी हसीन है, अपने ही गाने गाता चला गया। हैच कहता है, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। विली ने आवाज़ लगाई, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करें जनाब, मेरी मदद को पहुँचे। हैच, आई नो हु यू आर, कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, यू थॉट यू वुडेंट बी सीन आउट हियर, तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई देख नहीं पाएगा। वो उसे एक, जिसे कहते हैं, गद्दार समझ रहा है कि दूसरे इलाके से आया हमारे इलाके पे हमला करना चाहता है। विली, कॉल इन फॉर गॉड सेक्स, शाउट, अपने दोस्त को आवाज़ें दे रहे, कॉल इन कॉल इन, खुदा के लिए कुछ मुझे आवाज़ दो, तुम कहाँ हो, तुम मेरी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। इवंस गोइंग, वो जा रहा है, गाने फजूल में गाता जा रहा है, माई सॉन्ग, हाय मेरे गाने, ये दिन कैसे सुहाने और छोटे दिन, और गोज आउट, वो चला जाता है कैरेक्टर विली, ओ गॉड, ए खुदाया, हाय मैं अपने दोस्त की आवाज़ भी नहीं सुन सक रहा, और कोई उसकी मदद को नहीं आया। विली कम्स आउट ऑफ द वाटर, खुद ही पानी से बाहर आ जाता है, यू सी ही इज़ सॉक्ड, अब वो देखता है और अपने आप को सॉक करने की कोशिश करता है, अपने बाल वगैरह सुखाता है, झाड़ता है अपने आप को निचोड़ता है कपड़े शपड़े, हिज हेयर एंड क्लोथ्स आर प्लास्टर्ड डाउन, उसके जो कपड़े और उसके क्लोथ्स, हर चीज़ एक बुरी हालत में है। ही स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द सी, समुंदर के किनारे पर खड़ा हो जाता है, क्राइंग चिल्लाता है एंड प्लीडिंग, और वो इल्तजाएं करता है। हैच कैचस हिम इन हिज टॉर्च, हैच जो है उसे पकड़ लेता है अपनी टॉर्च के साथ। विली इज हर्ड शॉटिंग अप अबव द स्ट्रॉम, और विली की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और वो समुंदर में हमें सुनाई देती हैं। समुंदर में वो इसीलिए चिल्ला रहा है कि कोई आए और आके इसके दोस्त की जान बचा दे, क्योंकि वो तो अभी इस हालत में नहीं है कि अपने दोस्त की जान बचाए, लिहाजा उसे उम्मीद है कि कोई दूसरा शख्स ही जाएगा और इसके दोस्त को बचा देगा। इसी उम्मीद पर उसने पहले आदमी को भी आवाज़ लगाई थी जिसने उसकी कोई नहीं सुनी, और इसी उम्मीद पर उसने इसको बुलाया है, और ये भी उस पर यकीन नहीं कर रहा है। विली ने फिर उसे कहा है, हमारी मदद करो, हेल्प अस, तो हैच उसे कह रहा है, गो बैक, वापस दफ़ा हो जाओ यहाँ से जहाँ से आए हो। विली, आर यू ऑल मैड, तुम सारे के सारे यहाँ पागल तो नहीं रहते, वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ पर अभी। हैच, आई न्यू, मैं जानता था, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, यू वी विल फाइट यू, हम तुमसे लड़ेंगे, वही फ्लिथी बी, यू फ्लिथी बीस्ट, यही उसने उसको भी कहा था, यही इसको भी कह रहा है, तुम कमीने जलील इंसान। विली टर्न्स एंड गोज बैक इनटू द सी, वो मुड़ता है, वापस समंदर की तरफ भागता है कि शायद अपने दोस्त को पा ले और उसको ढूंढ ले, उसको निकाल ले। विली, कॉल इन कॉल इन, हैव ए गन्स फायर सम वे ऑफ, आवाज़ें लगाता है और दूर से गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। हैच, द गन्स, ओह द गोलियां चलने की आवाज़ आ गई, बंदूकें, ओह दे हैव ब्रॉट द गन्स अप,
अल्लाह, ये अपने साथ हथियार भी ले आए हैं। हुर्रा, अब तो मजा आएगा, हम तो लड़ाई झगड़ा अच्छा होगा। विली, व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें आज। हुर्रा, द गन्स, हाँ, गन्स आ गई। द आर्मी नोज, हमारी आर्मी भी आ रही है, वो जानती है यू आर हियर, तुम यहाँ हो। द होल कंट्री इज टर्निंग आउट, अब सारे का सारा हमारा जो मुल्क है वो जाग उठा है, सारे के सारे तब्दीली आ रही है। वी विल स्मैश यू, हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। हैच गोज आउट विद हिज टॉर्च, अपनी टॉर्च के साथ चला जाता है। द स्टॉर्म ग्रोज, और स्टॉर्म जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। विली अपने दोस्त को आवाज़ें दे देता है, कॉलन डोंट डाई, नॉट लाइक दिस, नहीं कॉलन, मरना नहीं इस तरह। शाउट, चिल्लाता है, वी हियर विली रनिंग थ्रू द वाटर, और हम आवाज़ें सुनते हैं विली की अपने दोस्त के लिए मदद पुकारने के लिए। कोई मदद नहीं करता है, कोई उसका साथ नहीं देता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, एंड वी विल कम विद द नेक्स्ट टेक्स्ट, नेक्स्ट सीन ऑफ दिस टेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।